सिराथू तहसील से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर खुजा गांव है। करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में आजादी के बाद से अब तक लोगों को बिजली नहीं नसीब हुई। खुजा गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस गांव के दामाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। अब उनके गांव में बिजली के साथ साथ विकास की वो तमाम राहें भी खुल जाएंगी, लेकिन ससुराल वालों की यह उम्मीदें महज एक सपना ही साबित हो रही है। अब लाइट, उम्मीद अधिक लाइट मिल जाएगी। आप जब से आई हैं क्या लाइट इस गांव में किया नहीं? नहीं आवा। खुजा गांव है और यहां लाइट की सुविधा जब से आजादी के बाद से अभी तक कोई लाइट की सुविधा नहीं है, और जिससे बड़ी समस्या होती है। यहां कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता, और पेट्रोमैक्स से यहाँ बारात करवाई जाती है, जनरेटर से बारात करवाई जाती है। हमारे गांव के केशव मौर्या जी यहाँ के दामाद हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं कि यहाँ विद्युतीकरण हो जाएगी। आधुनिक युग में बदहाली का दंश झेल रहे खुजा गांव के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं। गांव के बच्चे ढिबरी के सहारे पढ़ाई लिखाई करते हैं। भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल हो जाता है, जो कि हम पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गर्मी में पढ़ते हैं, पंखा हर गांव में, हमारे दोस्त भी हैं, सब जगह लाइट है, वो लोग 12 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी का तेल मिलता है, जब तक जलता है तब तक पढ़ते हैं, नहीं तो फिर दूसरे दिन के लिए सोचते हैं। हमारे मम्मी पापा यहाँ शादी कर दिए हैं, और क्या नाम, सारा कुछ दिए हैं, कूलर फ्रिज टीवी सब कुछ दिए हैं, और यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है। लाइट है नहीं, पूरा सामान कूड़ा के तरीके पड़े हैं, कुछ भी नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि खुजा गांव में बहन बेटियों की शादी भी बमुश्किल में होती है। गांव में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है वो तो गेस्ट हाउस से शादी विवाह करते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बहन बेटियों की डोली आज भी पेट्रोमैक्स यानी कि गैस की रोशनी में उठती है। अभी लाइट आई ही नहीं। मुख्य समस्या क्या गाँव की? बहुत समस्या है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नाली वाली समस्या बड़ी, रोड सब खड़ी पड़ी है। यहाँ उनकी ससुराल है मौर्या जी की, क्या उम्मीद उनसे? अब उम्मीद ये है कि अब सब हो जाएगा यहाँ उनकी वजह से। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस गांव में ऐसी कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं है कि इस गांव में बिजली नहीं है। अब लोगों की नजर और उम्मीद सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली योगी सरकार पर है। वैसे कब लोगों की उम्मीद पूरी होती है ये एक बड़ा सवाल है। राकेश सोनकर, APN, कौशाम्बी।